जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका विजय पथ एजुकेशन पालमपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आपके लिए लेकर आए हैं अब दक्षिण भारत का इतिहास। पिछली वीडियो में आपने जरूर देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आप सबसे पहले पिछली वीडियोस को देखें, सीक्वेंस वाइज देखें। तो सबसे पहले हमने चेर चोल पांडे यानी कि सबसे पहले संगम काल के बारे में स्टडी किया। अब हम जो है दक्षिण भारत के राजवंश को करने जा रहे हैं। जो हमारे न्यू कैंडिडेट्स हैं या जिन्होंने हमारा पेड बैच लेकर अभी ही लिया है, और वैसे ही बच्चे क्योंकि स्किप कर देते हैं वीडियोस को वन बाय वन सीक्वेंस वाइज नहीं देखते, तो मैं कहूंगा कि सबसे पहले इस वीडियो को देखें, देन आफ्टर देन इस वीडियो पे आए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पल्लव, राष्ट्रकूट, चालुक्य और चोल। तो हमने जो है राष्ट्रकूट वंश को जो है 735 से लेकर इतने में बांटा है और 540 से लेकर इतने में बांटा है। ये लमसम होती है डेट्स, इसकी कोई फिक्स नहीं होती है कि 500 से 1500 है, यहाँ पे आपने कुछ और दे दिया, ये बुक टू बुक वेरिएशन है। सबसे पहले आया राष्ट्रकूट वंश का जो है वो जो इंपॉर्टेंट रहेगा संस्थापक। ठीक है, तो इस संस्थापक को देख लेते हैं। तो संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग जो है वो इसके संस्थापक थे। राजधानी इन्होंने मान्य खेत को बनाया था। प्रमुख शासक क्या कौन कौन से रहे हैं? कृष्ण प्रथम रहे हैं, ध्रुव प्रथम रहे हैं, गोविंद तृतीय रहे हैं, अमोद वर्ष रहे हैं और कृष्ण तृतीय। ये इसके प्रमुख राष्ट्रकूट वंश के जो प्रमुख शासक रहे हैं। देख सकते हैं, एक दो तीन चार पांच। वीडियो को ना पॉज करके नोट कर लीजिएगा, नोट्स बनाइएगा आप सभी। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? तो दंती दुर्ग ने की थी, जैसे मैंने आपको बोला था। और इन्होंने अपनी राजधानी मान्य खेत को बनाया था 735 से लेकर 756 तक। प्रतापी, बहुत ज्यादा प्रतापी राजा रहे हैं। चालुक्यों के अंतिम शासक की बात करते तो कीर्ति वर्मन द्वितीय रहे थे और इनको इन्होंने पराजित किया था। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट आगे आ जाता है हमारा राष्ट्रकूटों की राजधानी, जैसे मैंने आपको बताया मान्य खेत थी। तो कृष्ण प्रथम के बारे में देते हैं। तो कृष्ण प्रथम कौन थे? तो देखिए, दंती दुर्ग के बाद, क्योंकि दंती दुर्ग जो थे वो पहले शासक थे, तो दूसरे शासक जो थे वो कृष्ण प्रथम हुए हैं। इन्होंने अपना शासन काल में ही एलोरा, अजंता एलोरा की बात कर रहे हैं, जो कि आपको पता है बच्चों को कई बार आता है कॉम्पिटिटिव में, अजंता एलोरा की गुफाएं कहां पर हैं? बौद्धों से जुड़ी हुई हैं। ठीक है जी, और ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है बच्चों। ठीक है, और वो कटवा कर उन्होंने कैलाश मंदिर का भी निर्माण करवाया है। और ये द्रविड़ शैली में ही, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा कि अजंता एलोरा का कैलाश मंदिर या ये कौन सी शैली में बनाई गई है? द्रविड़ शैली है। अलग अलग शैलियों में जो है मंदिरों को बनाया जाता है, तो ये भी द्रविड़ शैली में बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो आप इसको दिमाग में रखिएगा। देख सकते हैं इसको, शैली को, कि इन्होंने पूरे इस चट्टान को कटवाया और उस चट्टान से ही इन्होंने मंदिर का निर्माण करवा दिया था। ठीक है, ध्रुव आए इसके बाद। तो ध्रुव की बात करते हैं। ध्रुव ने कब शासन किया था? 780 में। और उसके छोटे भाई गोविंद द्वितीय जो है वो राजगद्दी से हटाकर शासक बना था। इसने फिर अपना उत्तरापथ की तरफ जो है विजय अभियान शुरू किया था। उत्तरापथ मतलब सफल अभियान करने की वजह से इन्होंने जो है यानी कि उन उत्तर की साइड के जो राज्य थे उनको जीतने की कोशिश कर रहे थे, तो इसलिए उन्होंने गंगा और यमुना को अपना प्रतीक चिन्ह जो है वो बनाया था। ध्रुव का पहला शासक जो था वो कन्नौज पर अधिकार किया था इन्होंने सबसे पहले। फिर इसके बाद इन्होंने त्रिपक्षी यानी कि तीनों साइड से यानी कि दो साइड से कट्ठा युद्ध लड़ा है। किस किस के साथ लड़ा है? प्रतिहार वत्स्य राज झांसी के साथ और पाल नरेश धर्मपाल को भी गंगा यमुना के द्वाब के पास जो है दोनों को पराजित कर दिया। और पराजित करने की वजह से उन्होंने जो है गंगा और यमुना को अपना प्रतीक चिन्ह बनाया था। इसी प्रकार से आगे चलते हैं हम कि ध्रुव को धरावर्ष के नाम से भी जाना जाता था इसीलिए। इसके बाद जो है अगले शासक जो है
वो आए थे हमारे गोविंद तृतीय एक महाप्रतापी राजा थे। इन्होंने पल्लव पांड्य केरल प्रतिहार और गंगा शासकों को पराजित किया। बाद में इसका पुत्र अमोदवर्ष इसका जो है वो शासक बना था। जैसे अमोदवर्ष की बात आ रही है, अमोदवर्ष गोविंद तृतीय का पुत्र था। अमोदवर्ष ने राष्ट्रकूट वंश का सबसे महान शासक बना है। अमोदवर्ष ने जैन धर्म का अनुयायी था। इसके गुरु का नाम गुरु जैन आचार्य जिनसेन था। अमोदवर्ष स्वयं एक विद्वान भी था और जो कि कन्नड़ भाषा का महाकाव्य ग्रंथ कविराज मार्ग की रचना की है। और इन्होंने तुंगभद्रा कर्नाटक की बात कर रहे हैं मैं, जल समाधि लेकर जल के अंदर चले गए और अपना जो है जीवन अंत किया। इसके बाद कृष्ण तृतीय आए। कृष्ण तृतीय जो है राष्ट्रकूट वंश के प्रतापी राजाओं में से एक है। इन्होंने अकाल वर्ष की उपाधि धारण की। सत्ता हाथ में आते ही इन्होंने कांची व तन्नौज पर विजय अभियान चलाकर उन्हें जीत लिया था। कृष्ण प्रथम तृतीय आए। तृतीय ने तकोलम के युद्ध में शासक प्रतांत प्रथम को पराजित किया। इसी के दरबार में एक कन्नड़ भाषी पोत्रण कहा जाता है, उन्होंने शांति पुराण की रचना की थी। इस वंश का अंतिम शासक कर्क द्वितीय था जो कि अयोग्य शासक था। इसकी हत्या जो है उसके तैलब द्वितीय ने कर दी, यानी कि उसके रिलेटिव ने, और कल्याणी चालुक्य वंश की स्थापना की। देखिए उसी के रिलेटिव ने जो है उसकी हत्या कर दी थी, ठीक है, और चालुक्य वंश की स्थापना की। तो ये देखिए राष्ट्रकूट वंशों के समय में अजंता और एलोरा की गुफाएं और एलिफेंटा की गुफाएं जो है, ये भी बता देता हूं मुंबई में है, तो कई बार प्रश्न आने वाला क्वेश्चन है। तो एलोरा की जो गुफाएं हैं वो 34 गुफाएं हैं जो कि 1 से 12 बौद्धों के लिए हैं, 12 से 29 हिंदुओं की गुफाएं हैं, 30 से 34 जो है वो जैनियों यानी जैन धर्म से जुड़ी हुई है। इसके बाद हमारा आ जाता है चोल वंश। तीसरी शताब्दी में चोल वंश का पतन हुआ था। नौवीं शताब्दी में ये के आसपास में ये फिर से उदय हुआ था, इसलिए इसको मैं फिर से लेकर आया हूं। इसीलिए मैंने कहा है कि अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस जरूर देखिएगा साथ में। नौवीं शताब्दी में चोल वंश यानी कि साम्राज्य की स्थापना विजालय ने की थी और चोल का द्वितीय संस्थापक कहते हैं। तो संस्थापक विजालय था, राजधानी इसकी तंजोर थी। प्रमुख शासक प्रांतक प्रथम, जैसे आपने मैंने लास्ट में पढ़ाया है, राज प्रथम और राजेंद्र प्रथम आए थे। तो विजालय इसकी नौवीं शताब्दी में चोल साम्राज्य की स्थापना की और तंजोर को जीतकर इसे अपनी राजधानी बनाया और आदित्य प्रथम का पुत्र प्रांतक प्रथम चोल वंश का अगला शासक बना। फिर प्रांतक प्रथम इसके शासनकाल में राष्ट्रकूट वंश के तृतीय कृष्ण तृतीय ने आक्रमण किया था, जैसे मैंने आपको पहले बताया है। इतिहास में जो हम करें बात, इस युद्ध का तलाकम का युद्ध भी कहा जाता है क्योंकि चोलों को बुरी हार मिल गई थी। और इस युद्ध में प्रांतक का बड़ा बेटा जो था राजदित्य, वो उसकी जो है वो मारा गया था इस युद्ध में। और राजप्रथम चोल वंश का जो है महानतम या सबसे बड़ा या महान शक्तिशाली राजा था। ये शैव धर्म का यानी कि शिवजी भगवान का अनुयायी था और श्रीलंका पर आक्रमण किया और उसने उत्तरी हिस्से पर विजय भी प्राप्त की। इसी के ने विरधेश्वर का मंदिर भी का भी निर्माण करवाया हुआ है। कमेंट करना ना भूलें, आप सभी कमेंट बताएं मुझे विरधेश्वर का मंदिर कहाँ पर है, सामने मंदिर है आप बताएं जरूर। इसके बाद राजेंद्र प्रथम अगला शासक बना था। तो राजेंद्र प्रथम चोल वंश का सर्वाधिक विस्तार जो है इन्हीं के समय काल में हुआ था। राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण लंका को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया, सारी लंका को मिलाकर, और गंगे कोड चोलपुरम को जो है चोलों की नई राजधानी बनाया। राजेंद्र प्रथम ने सुमात्रा यानी कि इंडोनेशिया पर जाकर आक्रमण कर दिया और वहां के शासक शैलेंद्र को भी पराजित कर दिया था। मेरे बच्चों
तो ये इस प्रकार से चोल वंश का अंतिम शासक जो था राजेंद्र तृतीय था, जो कि योग्य शासक नहीं था, और बाद में संभवतः यानी कि किसी में भी अगर प्रॉपरली योग्य नहीं होता है कोई, तो वो वंश खत्म हो जाते हैं। इसीलिए मैं कहूंगा बच्चों, आप अच्छे से पढ़ाई करो, अपने वंश को आगे बढ़ाइए, उन्नत करिए, और यही हमारी आकांक्षा है। और ये थी इस वंश से जुड़ी हुई बातें जो कि मैंने आपको बताई, हमारे देश की जो इतिहास हो चुका है, और इस इतिहास का मैं भी गवाह है कि अगर कोई अयोग्य होता है तो उसका परिवार प्रॉपरली नहीं चल पाता। इसलिए योग्य बनिए और शक्तिशाली बनिए, जो कि हम मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए जो है योग्य, यानी कि एक सरकारी नौकरी, ठीक है, मैं इससे ज्यादा नहीं कहूंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।